हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्राफ्टिक्स टेक स्टूडियो। आज मैं बनाऊंगी एक विंटेज टाइप मिरर, जिसके लिए मैं लिए हूँ एक MDF बोर्ड और इसके ऊपर एक स्मॉल हैंड मिरर का शेप ड्रॉ कर लेना है पहले पेंसिल से और उसको कट कर लेना है और दूसरी साइड में मोल्डेड क्ले को मिक्स कर लेना है। फिर इसमें जो मिरर हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको प्लेस करके एक मेजरमेंट लेना है और उसको मोल्डेड क्ले से बॉर्डर भी करना है। मैं इधर बहुत बेसिक से शेप क्रिएट की हूँ, लाइक राउंड टीयर ड्रॉप शेप, स्लाइटली कर्व टीयर ड्रॉप, रोज़ भी बनाई हूँ मैं इधर। बहुत बेसिक सा रोज़ बनाई हूँ और उसका ट्यूटोरियल भी मैं शेयर की हूँ इस वीडियो में। इधर जो MDF बोर्ड का यूज़ की हूँ मैं, ये मुझे मिला केक का बेस से। एक्चुअली ये MDF बोर्ड उतना मोटा भी नहीं होता तो इसको हम लोग ईजिली सीजर से कट भी कर सकते हैं और ये हम लोग को बहुत सारा क्राफ्ट में यूज़ होता है, जैसे लिपन आर्ट, फ्रिज मैग्नेट। इसीलिए मैं तो ये सारा बोर्ड जमा करके रखती हूँ। और इस वीडियो में मैं जो मिरर का यूज़ की हूँ वो मुझे मिला एक कॉम्पैक्ट का बॉक्स है और ग्लू मैं प्रेफर करती हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये क्ले का बनाया हुआ है। बट मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था कुछ स्ट्रॉन्ग ग्लू, तो मैं फेविकॉल से ही काम चलाई।
तो इधर मेरा पूरा डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी इसको छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। तो डिज़ाइन पूरा ड्राई होने के बाद इसको कलर करना है। कलर करने के लिए मैं इधर फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ की हूँ। पहले ब्लैक और बर्न साइना को मिक्स करके एक ब्राउन का शेड क्रिएट करना है और उससे पूरा डिज़ाइन कवर करना है। इसके बाद पर्ल मेटलिक कलर का जो ब्रॉन्ज 355 शेड्स है उसका यूज़ की हूँ मैं ऊपर से, और ये करना है पूरा ब्राउन ड्राई होने के बाद ही। कलर कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद मैं इधर एक वर्निश स्प्रे का यूज़ की हूँ एक ग्लॉसी लुक देने के लिए, और ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद यू वोंट बिलीव हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। मार्केट से ख़रीदा हुआ कॉस्टली मिरर से कुछ कम नहीं लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।